तो सबसे पहले हम एक किसी पेज को अप्लाई करके देख लेते हैं किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। अब हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। व्हाट इज द स्टार, ये आपको डिटेल बताएगा आपके क्राइटेरिया के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब हम आ जाएंगे अपने सेटअप की तरफ। ये आपके रिव्यू एंड टर्म्स आ गए, इनकी कुछ कंडीशन होती है, इसको आप स्क्रोल डाउन करके एग्री कर दें। ये डन हो गया। अब वेरीफाई फ्रॉड योर डिटेल्स, ये आपकी वेरीफाई डिटेल करेगा। वेरीफाई डिटेल पे हम जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब आगे सेटअप का ऑप्शन। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको अपना पुराना पे आउट लगाना है या क्रिएट अ न्यू बिजनेस, नया पे आउट लगाना है। हम चलेंगे अभी नई की तरफ, नए। अब आपका ये नाम मांगेगा तो मैं नाम डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ आपकी, ये जस्ट आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। इसको हम टाइप कर देंगे इस तरीके से। आपने डेट ऑफ बर्थ सबमिट करी, अब आपकी कंट्री आ जाएगी। अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, इंडिया, ये नेक्स्ट हो गया। अब बिजनेस टाइप में आपको रखना है इंडिविजुअल, क्योंकि आप कोई अगर पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम नहीं है आपका, तो आप सीधा रखें इंडिविजुअल में और नेक्स्ट कर दीजिए। अभी आपसे मांगेगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन आपकी, जैसे कि सपोज आपकी कंप्लीट आइडेंटिफाई आपको करना होगा, होम एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, तो हम सारी चीजें फिलअप कर देंगे। जो भी आपकी सिटी वगैरह एड्रेस होगा उसको हमें फिलअप करना होगा। ये जस्ट बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी जो आपको फिलअप करनी होती है। ईमेल आईडी डालेंगे आप अपनी इधर पे, कोई भी मेंशन नहीं कर सकते आप, ऑथेंटिक है उसी को आप सबमिट करें। इसके बाद आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपकी, लाइक पैन कार्ड दे सकते हो आप, सबसे बढ़िया आपका पैन कार्ड हो जाता है, आधार कार्ड हो जाता है, लाइक जो आपको कंट्री की आइडेंटिफाई मिलती है ना उसकी आपको नंबर देना होता है। इस तरीके से सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं मैनुअल आपका लिंक बैंक की तरफ। अगर आपको लिंक बैंक करना है अपना, तो इधर ये आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। और अगर सिंपली पेपल अकाउंट ऐड करना है तो इधर से पेपल अकाउंट ऐड हो जाएगा। इसके लिए हमें अपना पेपल लॉगिन करना होता है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो अभी हम इसको कर देते हैं सिंपली। इसमें आपकी आएगी कंट्री सबसे पहले, उसके बाद अगर आपका अकाउंट होल्डर नेम, स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर, ठीक है ना, तो इसको हमें ऐड करना है। तो अभी हम इसको कर देते हैं ऐड लेटर। ये डन हो गया, ये आपका अपडेट पे आउट सेटिंग आ गई और ये यू आर सेट कंप्लीट। इसको हम डन कर देंगे और ये कंप्लीट होगी दोनों डिटेल हमारी, राइट। अब हमें इसको सबमिट फॉर रिव्यू में सेंड करना है। अब ये फेसबुक के पास जाएगा रिव्यू में। ये डन हो गया। मोस्टली केसेस में 2 दिन का टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी आधा घंटा, 1 घंटा या 24 घंटे में भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। यू आर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, स्टार्ट विद अर्निंग। होम पे आने के बाद याद देखो फिनिश सेटअप, यानी केवल बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है अभी हमने इसमें, इसलिए फिनिश सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर सेट कर देंगे तो व्यू टूल का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। और अगर ये रिव्यू में जाता है तो इस तरीके से शो करेगा, इन रिव्यू, इन रिव्यू। अभी रिव्यू में है, 24 से 48 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। बस जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको व्यू टूल का ऑप्शन दिखेगा इस तरीके से। कंप्लीट होने पे व्यू टूल दिखेगा, सेटअप पे और आपका गेट स्टार्टेड पे आपको अपना पे आउट एड करना होगा। और रिव्यू में जाने का मतलब है कि रिव्यू में क्या हुआ है। तो बेसिकली ये एक W8BN का फॉर्म होता है जो हमें सबमिट करना होता है। बस बेसिकली कुछ ही चीजें हमें बननी होती है पूरे फॉर्म के अंदर। सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा नाम जो कि हमें सबमिट करना है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस आ जाएगा हमारा, ठीक है, उसके बाद सिटी एंड टाउन, स्टेट आ जाएगा हमारा, पिन पोस्टल कोड के साथ, यानी पिन कोड के साथ आपके, फिर आपका आ जाएगा मिलिंग एड्रेस, यानी कंप्लीट आपको एक एड्रेस जो भी आपका मेंशन है उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर तीनों जगह कंट्री आ जाएंगी आपकी, जो भी कंट्री होगी तीनों जगह कंट्री आपको फिलअप कर देनी है। 6A में आपका आ जाएगा फोन नंबर। उसके बाद हम स्क्रोल डाउन करेंगे, इधर ये चेकबॉक्स पे आपको करना है, चेकबॉक्स पे इस तरीके से आप यस करोगे, ये देखें यस हो गया, इस पे आपको चेक करना है। जिस
भी डेट में आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हो उस डेट को आपको सबमिट करना पड़ेगा, डेट ऑफ सबमिट। जिस भी डेट में आप सबमिट करोगे उस डेट को आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद अपने नीचे मेंशन कर देना बस सिग्नेचर, जो भी आप सिग्नेचर यूज करते हो उसको आपको नॉर्मली टाइप करके सेंड कर देना है। ये फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, उससे आप भर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक बस यही पांच छह चीजें हमें फिलअप करनी होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है।